सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या, क्योंकि हम सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स का करने वाले हैं. सो आई विल बी गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर आकाशिक रिकॉर्ड्स, राइट. हम क्यों इसके बारे में जान रहे हैं, या हम क्यों सीख रहे हैं, या हमें क्यों सीखना चाहिए. सो वील कम टू दैट, गुड राइट. मॉर्निंग आप मैडम, लोगों में से, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग? आई ज्वाइन बट द साउंड वॉज नॉट गेट आई वॉज नॉट गेटिंग द साउंड. ओके मैडम, आई एम डूइंग ओके मैडम, फाइन. ओके ओके. तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का है क्या? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम क्यों निकालते हैं? हमारी जो सोल है उसने बहुत सारी लाइफ्स जी हैं, और इसके बारे में हमें नहीं पता. एज इन्फेंट्स कुछ यादें रहती हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान भूल जाता है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी जो सेवरल जर्नीज अभी तक रही हैं, जो जन्म से मृत्यु तक की जर्नी रही है अलग अलग लाइफ टाइम में, वो सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, राइट. सो हम लोग करते क्या है, व्हेन वी आर टैपिंग इनटू आकाशिक एनर्जीज, व्हेन वी आर टैपिंग इनटू आकाशिक रिकॉर्ड्स, होता क्या है कि हम अपनी करंट लाइफ में, हो सकता है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या हमें बार बार कोई रिपीटेड पैटर्न्स दिख रहे हो जो हमें परेशान कर रहे हो, तो उनके हमें आंसर्स चाहिए होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग. हम लोगों में से कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स. तो जब हम आंसर्स ढूंढते हैं, व्हाट इफ यू गेट द आंसर्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को पहचानता भी है और उससे डील भी कर चुका है. सो वी आर गोइंग टू टैप इन टू दोज एनर्जीज, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू पुल आउट द इंफॉर्मेशन दैट इज मेंट फॉर आर हाइएस्ट गुड, हमारी भलाई के लिए जो है. आकाशिक रिकॉर्ड्स में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो लोग आकाशिक रिकॉर्ड प्लेन रीडिंग करते हैं यूजिंग दे मेडिटेटिव टेक्निक्स और इंट्यूशन, तो उनके लिए क्या रहता है, वो पहले मेडिटेट करके उस अवस्था में जाते हैं जहां वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं. अगर हम अपने हायर सेल्फ से बात करें तो अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो पाते हैं, और वहां पे जो हमें हमारे मन में सवाल होते हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब हमें मिलता है. एंड इन व्हाट फॉर्म डू वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ या तो पिक्चर्स होती हैं, या फ्लैशेस आते हैं, या अचानक से कोई वर्ड घूमता है दिमाग में. तो आकाश, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें, आकाशिक, आकाश क्या है? डिवाइन कॉन्शियसनेस. एक हिस्सा है, जो पांच तत्व हैं उनमें से एक हिस्सा आकाश का भी है, और वहां से माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ईश्वर का वास ऊपर है, आकाश तत्व के ऊपर है. तो ये माना जाता है कि वहां से जो भी एनर्जीज आती है वो बहुत डिवाइन आती है. अब अगर हम इसी में रिकॉर्ड्स की बात करें, तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो हम उनसे वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करने को कहते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हर इंसान के लिए, हर काम के लिए, वैसे ही एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है हमारे कर्मों का, क्योंकि पृथ्वी हमारी कर्म भूमि है. हमने जैसे कर्म किए हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और उसी से रिलेटेड हमें जवाब मिल जाते हैं कि क्योंकि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप हम ये जीवन में ऐसी यातना झेल रहे. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड इज बेसिकली मीनिंग और इम्प्लाइंग.
आकाशिक संस्कृत वर्ड से बना हुआ एक शब्द है आकाश, जिसका मतलब है स्काई स्पेस। ये रिफ्लेक्शन है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स टाइम में समय में पीछे ले जाते हैं हमें और यूनिवर्स के कंट्रोल के बाहर, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कई लोग ये मानते हैं कि ये रिकॉर्ड्स इनएक्सेसिबल है या हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। नहीं, हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये वहां पे अगर स्टोर्ड है, अगर हमारा सबकॉन्शियस इसे एक्सेस कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज हमारे आसपास है। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम